Hello everyone. Today we will start the next chapter of our syllabus, that is planning. Planning के बारे में आज हम discuss करेंगे. Students, we have discussed so many times about the functions of management. There are five functions of management. हमने कई बार discuss किया. In first chapter we have also discussed about the same. तो जो functions होते हैं वो actually series में होते हैं, ठीक है? इन्हें sequence. Sequence में होते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप हम एक फंक्शन के बाद दूसरे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. तो इस सीक्वेंस में जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है वो होता है बेटा प्लानिंग. अब जैसा नाम से ही हमें पता है, प्लानिंग मतलब एक तरीके से कोई प्लान बनाना, योजनाएं बनाना. अब बिजनेस में इस प्लानिंग का क्या मतलब होता है? देखो, बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस एक्टिविटी ए बिजनेस मैनेजर needs to plan about the everything he is going to perform. हर एक एक्टिविटी जो भी वो परफॉर्म करेगा उसके लिए प्लानिंग जरूरी है. बिकॉज इफ ही और शी परफॉर्म सच एक्टिविटीज विदाउट प्लानिंग द चांसेस ऑफ फेल्योर इंक्रीजेस. यानी कि अगर हम बिना प्लान के कोई भी काम करते हैं, सपोज करो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गिविंग द एग्जाम विदाउट प्रिपरेशन, डेफिनेटली योर मार्क्स विल बी कम होंगे, नॉट गुड. तो इसी हिसाब से प्लानिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन फॉर बिजनेस टू. प्लानिंग में हम करते क्या है एक्चुअली, एवरी बिजनेस एक्टिविटी नीड्स टू बी प्लान, ठीक है? प्रॉपरली प्लान करना होता है हमें हर एक बिजनेस एक्टिविटी को. तो हमारे जो बिजनेस मैनेजर होते हैं वो एक्चुअली अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, जैसे हमने इससे पहले वाले चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट में भी डिस्कस किया था कि हमारी जो भी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं वो हम प्लान करते हैं इन कीपिंग द माइंड द प्रेजेंट बिजनेस एनवायरनमेंट सिनेरियो. तो अब हम अगर बात करें डेफिनेशन की प्लानिंग की, तो वैसे अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु इज टू डू इट, यानी कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और इस काम को कौन करेगा. तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ही प्लानिंग है. अच्छा, लेकिन थोड़ा अगर हम टेक्निकली अच्छे स्टूडेंट्स की तरह अगर हम एग्जाम में डेफिनेशन लिखने वाले हैं, वैसे जो ये डेफिनेशन मैंने अभी बताई कि प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू हु इज टू डू इट, ये भी ठीक है. बट एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि वो एक जो हमारे बुकिश लैंग्वेज है उसको प्रेफर करे फॉर राइटिंग हिज और हर डेफिनेशंस और गिविंग हर और हिज आंसर्स. डेफिनेशन में क्या है कि प्लानिंग क्या है, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव मींस टारगेट, एम, गोल्स. सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर व्हाट वी आर प्लानिंग टू परफॉर्म, यानी कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर ए गिवन टाइम पीरियड. यानी कि अगर मान लो कोई भी कंपनी है उसको सपोज करो इस ईयर में अपने सेल्स जो है वो 10% से इंक्रीज करने हैं. किससे बेटा? 10% से. कब? इस ईयर में. तो ये गिवन टाइम पीरियड हो गया, एक फिक्स टाइम टेन्योर हो गया कि एक साल में हमें कितनी सेल्स इंक्रीज करनी है भाई, 10%. तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर गिवन टाइम पीरियड, ठीक है? अब वो जो 10% है उसको हम किस किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे. तो फॉर्मुलेटिंग सच कोर्स ऑफ एक्शंस या आइडेंटिफाइंग सच ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस. हमने देख लिया कि भाई हम इस तरीके से भी कि हम डिस्काउंट दे सकते हैं या क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है? या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं या ब्रांड बिल्डिंग यानी कि ब्रांड को हम ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए उस पर पैसा खर्च कर सकते हैं. तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स इन वन ईयर बाय द एक्सटेंट ऑफ 10%. तो बहुत सारे ऑप्शन हुए, लेकिन इन सारे ऑप्शन में कुछ प्रोन्स एंड कॉन्स भी होंगे. प्रोन्स एंड कॉन्स मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड नेगेटिव एस्पेक्ट. अब ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट है और पॉजिटिव एस्पेक्ट है इनको अगर हम कंसीडर करें तो सारे जो अल्टरनेटिव हमने फाइंड आउट किया, आइडेंटिफाई किया, उनमें से कोई एक ही बेस्ट होगा हमारे लिए, ठीक है बेटा? तो हमें उस बेस्ट को ही पकड़ना है. तो बेस्ट जो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होगा या कोर्स ऑफ एक्शन होगा या ऑप्शन जो सबसे बेस्ट होगा उसको सेलेक्ट करना है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए. तो सिंपल डेफिनेशन है क्या, planning means setting objective for the given time period. एक given time period के लिए होता है, time specific होता है,
आइडेंटिफाइंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस, किस तरीके से हम उस काम को कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट कौन सा उसको सिलेक्ट करना, सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग द वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस अवेलेबल। ठीक है बेटा। और प्लानिंग के बारे में दो तीन बातें जो नॉर्मली आपको ना केस स्टडीज में मिल जाएंगी या आपको हेल्प करेंगे इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। जैसे प्लानिंग fills the gap between where we are from, sorry, fills the gap from where we are to where we want to go. Fills the gap या bridges the gap, यानी कि जैसे मैंने एक फिगर यहाँ पे बोर्ड में बनाई हुई है, सपोज करो ये कोई पर्सन है एंड ही इज थिंकिंग ऑफ रीचिंग एट दिस पॉइंट। ठीक है, इसका एक टारगेट है कि भाई मेरे को इस माउंट यानी कि प्लिंथ टू पैरामाउंट यहां से लेकर और यहां तक का डिस्टेंस मेरे को कवर करना है, कैसे मैं कर सकता हूं, बहुत सारे ऑप्शंस इसके पास होंगे। ये इसका टारगेट है, गोल है, डेस्टिनेशन है, और ये फिलहाल जहां पर ये खड़ा हुआ है तो ये प्लानिंग करेगा। तो प्लानिंग क्या करेगी, फिल्स द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वॉन्ट टू गो, यानी कि इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर टू वेयर वी वॉन्ट टू गो। हमें अपने प्लान्स को अचीव करने के लिए कुछ प्लान्स मतलब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कुछ प्लानिंग करनी होती है। जैसे इफ़ यू आर प्लानिंग टू सिक्योर गुड मार्क्स इन योर क्लास 12 तो आपको कुछ प्लानिंग करनी होगी बेटा। ठीक है, अब प्लानिंग बहुत सारे तरीके हैं आपके पास कि कैसे हमें ये टारगेट अचीव करना है, तो उसमें से जो भी ऑप्शंस आपके पास है सबसे बेस्ट को सिलेक्ट करना है, वही प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग फिल्स द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। नाउ कम टुवर्ड्स द फीचर्स, इसके क्या क्या फीचर्स होंगे उनको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैंने अभी बताया आपको, फर्स्ट यही है कि इट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्लानिंग क्या बेटा, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। इफ यू आर प्लानिंग विदाउट एनी गोल इट विल बी ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज, मीनिंगलेस। ठीक है, उसका कोई फायदा ही नहीं होगा क्योंकि आप प्लानिंग कर रहे हो, उसमें कोई गोल या टारगेट है नहीं, तो वट यू आर प्लानिंग फॉर, नथिंग। तो प्लानिंग हमेशा किसके लिए की जाती है, गोल के लिए। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है बिकॉज हमारे जो बिजनेस होते हैं, हमारी मैनेजमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा कि भाई तीन तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा, इकोनॉमिकल जिनको हम ऑर्गेनाइजेशनल भी बोलते हैं, इसके बाद हमारा आता है सोशल और इंडिविजुअल या ह्यूमन या फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तीन तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं मेनली, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल को हम ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें क्या करनी होती है, प्लानिंग करनी होती है। तो देयर मस्ट बी ए गोल ऑलवेज बिहाइंड एनी प्लानिंग, किसी भी प्लानिंग के पीछे एक गोल होगा। ठीक है, तो प्लानिंग जो होती है वो हमेशा अपना फोकस किस पे करती है, फॉर अचीविंग द टारगेट इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। हम अपने टारगेट्स को जल्दी से और कम कॉस्ट पर अचीव कर लें, इसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। उस प्लानिंग में हम बहुत सारे कोर्सेज ऑफ एक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उनमें से जो बेस्ट हमारे लिए होता है उसके थ्रू हम अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये तो बहुत सिंपल है बिकॉज वी हैव डिस्कस अबाउट द सीरीज ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो उसमें प्लानिंग सबसे पहला होता है, फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज स्टाफिंग, फोर्थ इज डायरेक्टिंग, लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग जो है वो क्या बेटा, प्राइमरी फंक्शन है, इसको हम प्राइमेसी भी बोलते हैं, प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। यानी कि प्लानिंग जो है वो सबसे पहला और बेसिक फंक्शन है फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट वन इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग जो होता है ना बेटा, एक्चुअली हम कभी भी पास्ट के लिए नहीं करते हैं, प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर, टू अचीव सम फ्यूचर गोल्स या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस। इट इज दैट्स व्हाई नोन एज फॉरवर्ड लुकिंग। वैसे प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग भी होती है। अब आप कहोगे सर प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग कैसे होती है बच्चे, वो इसलिए जैसे सपोज करो कि आपने कोई प्लान किया, जैसे सपोज करो कि आप ना माता वैष्णो देवी के मंदिर गए और आपने इस बार जो रूट तय किया, आपने कहा कि भाई हम बाय ट्रेन जाएंगे
ट्रेन में भी आपने सपोज करो कोई एक पर्टिकुलर ट्रेन जो है वो सिलेक्ट कर ली। अब हुआ क्या, रास्ते में ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट होगी, डिले होगी, तो आप मतलब अपनी उस जर्नी को ज़्यादा अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाए। तो आप जब नेक्स्ट टाइम कभी माता वैष्णो देवी जाओगे तो अगर प्लानिंग करोगे तो उस ट्रेन का ख्याल आते ही दिमाग से निकाल दो, क्योंकि भाई वो ट्रेन तो अच्छी नहीं थी, लास्ट टाइम भी बड़ा सफ़र करना पड़ा था हमें, इंग्लिश वाला सफ़र, हिंदी वाला नहीं, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हो कि पिछली प्लानिंग को देख कर उसको ध्यान में रख के कि पास्ट जो हमारी मिस्टेक्स हैं, पिछली प्लानिंग में जो हमारी कमियां थी वो इस बार के प्लान में ना हो। इसीलिए प्लानिंग को क्या कहा जाता है बच्चे, फॉरवर्ड लुकिंग भी कहा जाता है और बैकवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड लुकिंग इसलिए कि जो हमारे प्रीवियस प्लान्स थे उनमें जो कमियां रह गई थी उनको हम नेक्स्ट प्लान में दूर करेंगे, और नेक्स्ट प्लान किसके लिए बनाए जा रहे हैं, फ्यूचर के लिए। तो प्लानिंग इज बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इन 8th चैप्टर। तो अभी उसको छोड़ो, अभी सिर्फ इतना देख लो कि प्लानिंग जो होता है ना वो क्या होता है बच्चे, फॉरवर्ड लुकिंग होता है, बिकॉज प्लान्स आर ऑलवेज मेड फॉर फ्यूचर। प्लानिंग इज डन फॉर अचीविंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस ऑफ द टारगेट और टू डील विद द सर्कमस्टांसेस गोइंग टू एग्जिस्ट सम टाइम इन फ्यूचर। नेक्स्ट इज परवेसिव। परवेसिव, अब परवेसिव का मैंने आपको पहले भी बताया था, कौन से चैप्टर में आया था बेटा परवेसिव, फर्स्ट चैप्टर में आया था इन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आई। तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, परवेसिव का मतलब ये होता है, अब हम प्लानिंग में करते हैं कि परवेसिव का मतलब होता है कि इट इज ऑल परवेसिव, मतलब सर्वव्याप्त है। सर्वव्याप्त मतलब कि इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी काइंड ऑफ बिजनेस। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एवरी काइंड और एवरी टाइप ऑफ बिजनेस, वेदर इट इज अ प्रॉफिटेबल, वेदर इट इज अ सोशल बिजनेस, सोशल सर्विस, या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, एनजीओ जिन्हें कहते हैं, या एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल हो, बिग हो, रूरल हो, अर्बन हो, ठीक है, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, प्लानिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड और इट इज रिक्वायर्ड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी हमने डिस्कस किए थे फर्स्ट चैप्टर में, हर तरीके के लेवल्स पर ये प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अलग अलग लेवल्स के जो मैनेजर होते हैं वो अपने लेवल के लिए प्लानिंग करते हैं कि हमें अपना काम किस तरीके से करना है। जैसे आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल हैं वो भी डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं किस तरीके से स्कूल को रन करना है। जो HOD होते हैं वो भी प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से सब्जेक्ट का काम, ये सिलेबस कब तक ख़त्म कराना है। टीचर्स भी प्लानिंग करते हैं कि मेरे को इस वीक में कितना काम कराना है, कितने टेस्ट लेने। स्टूडेंट भी प्लानिंग करते हैं कि हमें ये चैप्टर या कौन से सब्जेक्ट का काम पहले करना है और किस में हमारा जो है वीक पॉइंट है उसको हम ज़्यादा मेहनत करें उसमें। तो हर एक लेवल पर बिजनेस में भी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम प्लानिंग को कहते हैं प्लानिंग इज ऑल परवेसिव या इट इज़ ए परवेसिव फंक्शन। सिंपल है, कॉन्टिन्यूस है, प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। इट विल बी डन या इट दिस फंक्शन विल बी परफॉर्म एज मच एज वी नीड टू अचीव द गोल्स या वी नीड टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, यानी कि इट एंड्स विद द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन खत्म होगी तभी ये खत्म होगा, इट विल कंटिन्यू टिल द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन हम इसे इसलिए भी कहते हैं कि सपोज करो इफ वी प्लान फॉर एनीथिंग इन द बिजनेस एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच प्लान या ऑन द अचीवमेंट ऑफ सच टारगेट वी कम टू नो दैट देयर आर सर्टेन डेफिशिएंसीज इन आवर प्लान्स। डेफिशिएंसी मतलब ये है कि सपोज करो जैसे आपसे एग्जांपल लेते हैं, आपने सोचा था कि भाई मेरे तो 98 मार्क्स आने चाहिए बिजनेस स्टडीज में, बट वो किसी कारण से 95 रह गए, तो कितने कम हुए, 3। आपने सोचा था 98, यानी कि इट इज योर डिजायर्ड परफॉर्मेंस, आपने सोचा था डिजायर्ड, एक्चुअल कितना हुआ 95। तो डिफरेंस बिटवीन द डिजायर्ड एंड द एक्चुअल आउटपुट इज नोन एज डेफिशिएंसी। अब ये 3 जो कम हुए हैं ये किस वजह से हुए भाई, सपोज करो हाफ ईयरली एग्जाम का रिजल्ट था 95 आए, आपने सोचा था 98। अब आप फाइनल के लिए जब तैयारी करोगे ना बेटा,
तो आप ये भी देखोगे कि भाई मैंने पिछली बार भी प्लानिंग की थी 95 रह गया, इस बार 98 लाने हैं, तो पिछले प्लान में जो कमियां थी वो इस प्लान में ना हो, इसीलिए हम क्या करेंगे, फिर से प्लानिंग करेंगे। तो इसीलिए प्लानिंग कॉन्टिन्यूस है। या फिर जो रीजंस थे, जो कारण थे कि आपके जो तीन नंबर हैं वो क्यों कम आए, उन रीजंस को एलिमिनेट करने के लिए भी, उन रीजंस को रिमूव करने के लिए भी यू नीड टू प्लान। उनको रिमूव करने के लिए भी प्लान करना है। तो प्लानिंग जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट नीड टू बी परफॉर्म टिल द लाइफ, या कह सकते हैं एज मच एज द ऑर्गेनाइजेशंस वर्क इन द एनवायरमेंट, द मैनेजर नीड टू परफॉर्म प्लानिंग फंक्शन। सिक्स्थ पॉइंट जो है हमारे, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। सिंपल है ना, डिसीजन मेकिंग क्यों है कि भाई देखो, मैंने आपको कहा था कि हमें तो एक तो आइडेंटिफाई यानी कि फॉर्मुलेट करने, वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, सारे कोर्स ऑफ एक्शन हमें फॉर्मुलेट करने हैं, उनमें से जो बेस्ट होगा वो हमें सिलेक्ट करना है। जैसे सपोज करो कि भैया आपको जाना है हरिद्वार, ठीक है, अब हरिद्वार जाना थोड़ा धार्मिक हो रहा है, पहले वैष्णो देवी गए थे, अब हरिद्वार जा रहे, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बाय ट्रेन जाओगे, बाय बस जाओगे, या कोई अपना पर्सनल कन्वेंस लोगे, सॉरी, या फिर आप बाय एयर जाओगे। वैसे एयरपोर्ट देहरादून में है, हरिद्वार के 50 किलोमीटर के डिफरेंस में, डिस्टेंस में, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपने सोचा है कि भाई मुझे बाय ट्रेन जाना है, कौन सी ट्रेन से जाना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपने सोचा है कि बाय रोड जाना है, कौन से रोड से जाओगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो उन सारे ऑप्शंस में से जो बेस्ट होगा वो आप सिलेक्ट करोगे ना। तो सिलेक्ट करना ही क्या है, डिसीजन मेकिंग, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। आपको उन सारे ऑप्शंस में से एक डिसाइड करना है, इसीलिए प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक नंबर में अक्सर पूछ लेता है एग्जामिनर, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल मतलब पागल एक्सरसाइज है ना, ऐसा नहीं है बेटे, इट इज ए इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का मतलब होता है सारा दिमाग का खेल है, मेंटल एक्सरसाइज है। मेंटल एक्सरसाइज का मतलब यह है कि बिजनेस मैनेजर नीड्स टू अप्लाई हिज माइंड, हिज साउंड जजमेंट, इंटेलिजेंस। तो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का वैसे लिटरल मीनिंग होता है थिंकिंग रादर देन डूइंग। अभी हम सिर्फ प्लान कर रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे। तो प्लानिंग में क्या होता है, थिंकिंग, एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड साउंड जजमेंट, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का मतलब ये है कि ये इंटेलिजेंस और एप्लीकेशन ऑफ माइंड पे बेस्ड है, थिंकिंग रादर देन डूइंग है। हम इसमें कोई काम नहीं करते, इसमें सिर्फ हम एप्लीकेशन ऑफ माइंड करते हैं। जो भी हमारे जो मैनेजर्स होते हैं या जो भी हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं who are involved in such planning, they charge very huge amount या very huge remuneration from the management, क्योंकि business की जो planning होती है उसमें जो manager होता है वो हो सकता है he might not be proficient about the various aspects of the environment, environment के सारे aspects की उसे समझना हो, तो usually they take help from the experts or some scholars या some business experts। तो such business experts or professional charge very high fees from the management। तो ये mental exercise होने के साथ साथ बहुत expensive भी होता है, ठीक है, तो वो हम इसके demerits में discuss कर लेंगे। mental exercise का मतलब यही है कि planning is thinking rather than doing। business manager need to apply his mind, sound judgment, intelligence while deciding the future course of actions for any business activity। ठीक है बेटा, तो ये हमारे features हो गए। Next video में हम discuss करेंगे इसके merits यानी कि importance and demerits।